जालौर के सांचौर थाना क्षेत्र से खबर है। हरियाली गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने घुसे तीन बदमाशों को ग्रामीणों ने घेरा तो फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में एक शख्स के हाथ में गोली लग गई। इसके बावजूद ग्रामीण डरे नहीं और सजगता दिखाते हुए दो बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि एक फरार होने में कामयाब रहा। देर रात की घटना की सूचना पर सांचौर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आरोपियों को शिकंजे में लिया गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में चोरी करने के उपयोग आने वाले औजार भी बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी और औजारों को जब्त कर लिया है। भजनलाल गुदारा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए। भजनलाल, क्या था ये पूरा मामला, कैसे हिम्मत दिखाई ग्रामीणों ने और दो लोग गिरफ्त में आए पुलिस के? बिल्कुल सर, जानकारी देना चाहूंगा। ये सांचौर थाना सत्र के हरियाली गांव का मामला है कि जो तीन बदमाश चोरी करने की नीयत से देर रात को वहां पर खड़े थे और कुछ ग्रामीणों ने युवकों ने देख लिया था उनको, और जब उन्होंने जाकर के उनसे पूछताछ करी तो वो बहस करने लगे और बहस से ये बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने बदमाशों ने उन गांव वालों पर फायरिंग कर दी। दो तीन फायर किया, एक जो गोली है वो एक युवक के हाथ में लगी है। उस युवक का सांचौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए उन तीनों को पकड़ लिया। तीनों बदमाशों के पास में चोरी करने के जो औजार थे वो बरामद हुए हैं। उनकी पास से जो मिर्ची पाउडर है वो बरामद हुआ है और वो इतने उग्र हो गए कि उन्होंने तीन चार फायर किए और एक युवक की वो गोली लगी थी। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, सांचौर पुलिस को बुलाया गया और दो बदमाशों को पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द किया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मैं सहयोगी जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि आखिर कैसे चोरों ने ग्रामीणों पर फायरिंग तक झोंक दी, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और दो बदमाश दो चोर गिरफ्त में आ गए।